ચાલુ થઈ ગયું છે. પણ અંકુર યાદ એમ ખબર પડશે આપણે. કરું ભરત મેં ક્યાં દેખાય આપણે બધા અહીંયા શું. નમસ્કાર, તમે બધા અમને જોઈ શકતા હશો. આજનું જે પેરેન્ટિંગ સેશન છે એને અમે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. નમસ્કાર, હું નેહા ગુરનાની. આપણે બધા જ કદાચ ફોનથી હું તમને બધાને મળી હોઈશ. આદર્શ અમદાવાદમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી હું જોડાયેલી છું. વોલેન્ટરી પેરેન્ટિંગનો કોર્સ કન્ડક્ટ કરી રહી છું. આજે કાલે આપણે કલ હમને સરકો સુના સોરી ગુજરાતી કી આદત હૈ સો મને ગુજરાતી મેં સ્ટાર્ટ કર દિયા. મેં નેહા ગુરનાની આદર્શ અમદાવાદ સે હું વોલેન્ટરિંગ કરતી હું. 2 સાલ 3 સાલ સે પેરેન્ટિંગ કે સાથ જુડી હુઈ હું. મેને 12 સફલ બેચ ચલાઈ હૈ આદર્શ અમદાવાદ મેં પેરેન્ટિંગ કી. આજ કલ આપને ડોક્ટર નિશ્ચલ કો સુના વિથ ધ સબ્જેક્ટ એવરલાસ્ટિંગ હેપીનેસ. તો આજ હમ ઉનસે 2-5 મિનિટ ઉસ બારે મેં ફિર સે એક રિવિઝન કર લેંગે ઓર ફિર પેરેન્ટિંગ કે લિયે આગે બઢેંગે. તો મેં નિશ્ચલ જી સે રિક્વેસ્ટ કરૂંગી કે. નમસ્કાર, મેને જબ લાસ્ટ ટાઈમ આપસે એવરલાસ્ટિંગ હેપીનેસ કે બારે મેં બાત કરી હતી તબ બતાયા થા કે યે એક કોન્સેપ્ટ હૈ और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. और प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब हमें उसके स्टेप्स मालूम होंगे. तो लास्ट टाइम हमने सबसे पहले गुजार साहब की एक पोएम से बात शुरू करी थी और उसमें बताया था कि हमें रूटीन लाइफ में स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम हमारी लाइफ को थोड़ा सा धीरे जीना शुरू करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें स्ट्रेस, टेंशन या डर तभी होता है जब हम अगर पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं. जब हम प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे. दूसरे हमने बात करी थी ग्रेटिट्यूड के बारे में कि हमें दिन भर हम जिस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहना है. अगर ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो हमारी कंप्लेंट्स कम होंगी, हमारी अनहैप्पीनेस की जो चीज़ें हैं वो कम होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे. और तीसरी हमने बात करी थी, अमिताभ बच्चन ने बताया था कि सोचोगे तो लगेगी. और फिर पूरा जो सेशन था वो थॉट के ऊपर गया था. अगर आपने 2 दिन में एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी सोच है वो ही हमारी डेस्टिनो को क्रिएट करती है. कैसे? जो हम सोचते हैं वो हमारे इमोशंस में और फीलिंग्स में आता है. जब वो इमोशंस और फीलिंग्स ऑनगोइंग होती है तो वो हमारे बिहेवियर में या एक्शन में आता है. जब भी वो बार बार एक्शन में आता है तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है और काफ़ी सारी हैबिट्स को इकट्ठा करके हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है और वही पर्सनालिटी से हम हमारा डेस्टिनेशन अचीव करते हैं. तो अगर हम हमारी सोच के बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे और उस सोच को सही नहीं रखेंगे, सही सोच मानी जो सोचने से मुझे अच्छा लगता है वो सही सोच है, जो सोचने से मुझे अच्छा नहीं लगता वो सोच मेरे लिए सही नहीं हो सकती है, तो उस सोच को मुझे रिमूव करना है. सोच कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करती है वो भी हमने देखा था कि सोच हमारी फीलिंग्स यानी मूड या इमोशंस बनाती है, सोच हमारी फिजिकल हेल्थ क्रिएट करती है, सोच हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है और वो इन टर्न हमारे पूरे एनवायरनमेंट को जहाँ हम रहते हैं उस नेचर को भी इफ़ेक्ट करती है. तो हमारी सोच का कितना महत्वपूर्ण स्थान है. सोच कैसे डेवलप होती है वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि सबसे पहले बिलीफ मानी मानी मेरी जो मान्यताएँ हैं वो मान्यता से मेरी सोच क्रिएट होती है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उससे मेरी सोच क्रिएट होती है और मैं आजकल क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, वो सोशल मीडिया हो सकता है, विजुअल मीडिया हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, लोगों से जो मैं बात करता हूँ वो हो सकता है. अगर उन चीज़ों के बारे में हम केयर करेंगे
कि मेरे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो अच्छी, पॉजिटिव, सकारात्मक है, तो वो मेरे सोच को इन्फ्लुएंस करके उसको पॉजिटिव बनाएंगी। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट प्रिंसिपल मैंने बताया था, SOS। जब भी फील होता है मुझे ठीक अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ठीक नहीं है, या कुछ गलत सोच आ रही है, अपने दिमाग को, अपने सोच को एक कमांड देंगे, स्टॉप, देन ऑब्जर्व क्या क्या सोच चल रही है, और स्विच। हम तुरंत ही अपनी सोच को स्विच करके जो मुझे अच्छी लगती है वो सोच सोचना शुरू करेंगे, अपने आप मूड ठीक हो जाएगा और अपने आप अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल के साथ आप अगर अपनी डे टू डे लाइफ को देखना शुरू करेंगे, अवेयर रहेंगे क्या सोच चल रही है, सुबह उठते समय 10-15 मिनट उसके बारे में मेडिटेशन करेंगे, हर 1-2 घंटे के बाद उसके बारे में सोचेंगे कि क्या सोच चल रही है, और रात को सोने से पहले पूरे दिन में क्या हुआ और कल का दिन कैसा चाहिए, ऐसा अगर सोच के सोए नींद लेंगे तो नेक्स्ट डे भी उतने अच्छे से उठ पाएंगे और हमारा दिन रोज़ हमेशा एवर लास्टिंग खुशी के साथ हमेशा पसार होगा। तो ये प्रिंसिपल के साथ अगर हम जीना शुरू करेंगे तो ये सक्सेस के लिए कोई भी लाइफ में, वो जी, पेरेंटिंग हुआ, करियर हुआ, रिलेशनशिप हुआ या पर्सनल हेल्थ, कोई भी हम सभी एरिया में काफ़ी सारी सक्सेसफुल होके आगे बढ़ सकते हैं। जी। अब आपको लग रहा होगा कि पेरेंटिंग में हैप्पीनेस क्यों? अगर पेरेंट को हम पहले हैप्पी कैसे रहना है वो नहीं सिखाएंगे, वो नहीं बताएंगे, तो बच्चे को वो कैसे हैप्पी रख सकेगी रखेंगे। तो इसलिए ये हैप्पीनेस था। अब हम आगे बढ़ेंगे पेरेंटिंग के सेशन के लिए। सर, आज हमको बच्चा पैदा होता है और फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। थोड़े कल के क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं वो सर कवर करेंगे। और आज भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता हो, जब सेशन चालू है और आपको कोई सेशन आ रहा है तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं, उसका हम पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सर आज स्टार्ट करेंगे पेरेंटिंग सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे करूंगा कि कोई अगर आपको पूछता है कि आप पेरेंट क्यों बनते हो तो क्या सोच आती है? 30 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, सोचिए, जो सोच आती है उसको कमेंट में लिखिए, फिर आगे उसके बारे में बात करते हैं। पेरेंटिंग का सेशन शुरू करें उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया है, सोचना ज़रूरी है कि हम पेरेंट क्यों बनते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लाइफ में जो करते हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं जी कि हम जी क्यों कर रहे हैं। अगर करने से पहले उसको सोचेंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो करने में काफ़ी फ़र्क आ फर्क आएगा। जाएगा। तो हम पेरेंट क्यों बनते हैं? किसी को जो भी सोच आए, जस्ट पुट इट ऑन द कमेंट्स। जब भी मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, लाइव ऑडियंस होती है, तो उसमें से काफ़ी सारे आंसर्स आते हैं कि सर टाइम हुआ हो गए, और ऐसा भी क्वेश्चंस, हाँ, टू कंप्लीट अवर फैमिली, हिता शाह बोल रही है, टू कंप्लीट अवर फैमिली, टू बी हैप्पी, दिस इज़ द कॉमनेस्ट आंसर विच कम्स इन दी वर्कशॉप्स, खुश होने के लिए। हैप्पीनेस सेशन इसीलिए किया कि एवर लास्टिंग खुश हैप्पीनेस होना का पहले जरूरी है। सही बात है, लेकिन वाकई पेरेंट होने के बाद हैप्पी हैं कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल है? 21st सेंचुरी में जो पेरेंटिंग का कंडीशन है वो हैप्पी नहीं है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है। लाइफ को कैसे मैनेज करना, दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, टाइम कम है, सबके साथ जो बातचीत हो रही है उसमें भी टाइम काफ़ी कम मिल रहा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है लेकिन काम इतना है कि टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट इतना ज़्यादा हावी हुआ है, टीवी इतना ज़्यादा हावी हुआ है कि पेरेंटिंग खुश खुश करने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो
जो पेरेंट हैं वो ये सोच के पेरेंटिंग करेंगे कि मुझे उसमें खुश होना है, तो वो पेरेंटिंग वाकई बहुत अच्छा रहेगा। संस्कारी मेजोरिटी समाज सेइंग, की हाँ वीरेन भाई रचना, कह रहे हैं, संस्कारी समाजनी रचना माटे नेहा परिक टू कंप्लीट अवर फैमिली। हिता शाह कह रही है स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, यही बात है, इसीलिए आज हम पेरेंटिंग का सेशन कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे टूल्स और टेक्निक्स आपको बताएंगे कि जिस दौरान आप पावरफुल पेरेंटिंग करेंगे और वो खुशहाल पेरेंटिंग होगी जिसमें आप भी हैप्पी होंगे और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि दोनों तरफ संघर्ष इतना चल रहा है कि पेरेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस। माना गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से नहीं, जब आप कंसीव करना सोचते हैं तभी से पेरेंटिंग शुरू होता शुरू है। होता है, सही बात। बिकॉज जब आप कंसीव करते हैं उस दौरान आपका फिजिकल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जब बच्चा पेट में होता है तब घर में कैसा वातावरण है, वो क्या सुनता है, उसकी माँ क्या खा रही है, उसका सारा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है। तो गर्भ संस्कार भी एक ऐसा साइंस है जिसके ऊपर बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट अब बच्चे का बर्थ हो गया है, अब हम फर्स्ट ईयर में क्या क्या ख्याल रखेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बच्चे का इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। बर्थ से लेके 1 साल तक जो भी टाइमली वैक्सीनेशन है उसको आपको कंप्लीट करना ही है। अभी भले कोरोना का डर है लेकिन फिर भी आप आपके बच्चों के डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट लेके जो भी पेंडिंग वैक्सीन है या जो भी आ रही वैक्सीन है उसको टाइमली करा लेना। बच्चे को शायद कोरोना से कुछ ना हो लेकिन जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ ऑलरेडी वैक्सीन जिसकी अवेलेबल है वो अगर टाइमली नहीं हुई तो उसकी वजह से कभी भी डिसीज़ हो सकते हैं जो बच्चे को तकलीफ दे हो सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न मदर्स को फर्स्ट ईयर में होते हैं कि बच्चे को दांत आते हैं तो परेशानियां होती है तो क्या केयर करें। एक्चुअली दांत से बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, साथ में हो रही है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि ये दांत से होता है। 6 मंथ्स तक हो सके तो ओनली एंड ओनली मदर्स मिल्क ही देंगे, उसके अलावा बाहर का दूध या फॉर्मूला मिल्क 1 साल तक देना एडवाइजेबल नहीं नहीं है। 6 महीने के बाद उसको घर का ताज़ा पौष्टिक खाना शुरू खाना। करेंगे जिसके उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहे। बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए उसके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, उसको टच करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ काफ़ी ज़रा फिजिकल कनेक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है जिसकी वजह से ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। पहले 1 साल में बच्चे को नॉर्मली नेचुरली ग्रो करने दीजिए, उसके साथ जितना लगाव जितना वननेस हो सके उतना वननेस करने की कोशिश करिए बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करने वाला समय है। तो जब हम ये करके बच्चे को जब बड़ा करेंगे तो वो पहले से आपसे कनेक्टेड रहेगा और फिर आगे का जो पेरेंटिंग है वो कंपैरेटिवली इजी रहेगा। अच्छा, 1 साल के बाद बच्चा बड़ा होने लगता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। सही बात है, खाना कभी नहीं खाता है इस एक उम्र में आके, या तो उसके पीछे पीछे घूम घूम के उसको खिलाना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद स्टार्ट होती है सही बात जैसे ही बच्चा बढ़ता जाता है, तो उस बारे में कुछ कहेंगे आप? है। मैं बोलूँ उससे पहले वापस मैं अपने पार्टिसिपेंट से ही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोगों को आपके बच्चे छोटे हैं उनको क्या क्या कंसर्न्स अभी है, जो कंसर्न्स आप फेस कर रहे हैं इन डे टू डे लाइफ, अगर उस कंसर्न के बारे में आज कुछ सॉल्यूशन कुछ टूल मिल जाए या कुछ ऐसी राह मिल जाए जिसमें हम पावरफुल पेरेंटिंग कर पाएँ तो वो कंसर्न के बारे में आप बात करेंगे। जैसे नेहा जी ने बताया कि बच्चा खाना नहीं खाता, या ऐसा कोई भी कंसर्न आपको आपके बच्चे के साथ है तो आप कमेंट में शेयर कीजिए, साथ में हम बात करते रहेंगे और उस जो कंसर्न है उसको भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जो सवाल आते हैं अगर आप वो कहते जाएंगे तो आपको उनके जवाब भी मिलते जाएंगे। सो प्लीज आंसर क्वेश्चन पूछिए। धारा शाह कह रही है नॉट ईटिंग वेरी कॉमन, 90% ऑफ दी मदर हैज़ द सेम कंप्लेंट के बच्चा खाना नहीं खाता है। इसको भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत
कोर क्वेश्चन बहुत है। बहुत, और अगर ये कि इसका, खिलाना पड़ता है पीछे हाँ, घूम घूम के। इसका रास्ता मिल गया तो बस खत्म, बात पेरेंटिंग पूरा हो गया, ऐसा हाँ फील होगा हाँ मदर्स को तो। बिल्कुल, पुट फिंगर्स कंटिन्यूअसली इन माउथ इवन एट द टाइम ऑफ ईटिंग। छोटा बच्चा, 3 से 9 महीने का जो बच्चा होता है उसमें ये नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जिसमें वो दोनों हाथ इकट्ठा करके खेलता है और फिर दोनों हाथ अपने मुंह में ले जाता है। उसके बाद अगर बड़ा बच्चा ये चीज़ कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जब टीवी देखता है तो किसी को आंसर नहीं देता है, बहुत एक्टिव है। उनको हिता शाह कह रही है, दे कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू बी बिजी विच इज़ डिफिकल्ट टू कीप देम, लाइक माई सन इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड वी गॉट टायर्ड एट द डे एंड, वॉट टू डू, ओनली डिमांडिंग विथ मोबाइल, पुटिंग फिंगर इन दी थम्ब। वेरी कॉमन, आप सब सही बता रहे हो, बिल्कुल। सबसे पहले स्टबननेस बहुत होती है इस उम्र के बच्चों में, जो अपने मन में आया वो ही करने की कोशिश करेंगे। जिद बहुत होती है, टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होता है, हम जो बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं, वो एक अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, यही उनकी लाइफ है। इतनी एनर्जी होती है कि शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो यही सारी कंसर्न्स हैं जो आज पेरेंट्स फील कर रहे हैं, तो हम एक के बाद एक इस हाँ, कंसर्न के बारे में बात बात करेंगे। करें जी। बिल्कुल, व्हाट आर द पेरेंट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स? या ये कंसर्न को हम 3 अलग-अलग तरीके से देखेंगे पेरेंटिंग में। सबसे पहले हम हमारी पेरेंटिंग स्टाइल को पहचानें, अगर वो पहचानेंगे तो उसमें से बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, बच्चे की एज के मुताबिक पेरेंट्स को अपनी फेज वाइज स्टाइल चेंज करनी है। बराबर। और तीसरा, हर एक जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्वीटू शाह कह रही है कि आई हैव 5-year-old डॉटर, शी कंटिन्यू नीड टू बी बिजी एंड प्ले एंड वी आर नॉट एबल टू प्ले विथ हर, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। एंड ये क्वेश्चन एंड कंसर्न हर एक पेरेंट को अभी आजकल हो ही रहा है। पेरेंटिंग स्टाइल में देर आर 4 पेरेंटिंग स्टाइल। द फर्स्ट विज फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग माने मुझे अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन उसकी तरफ मुझे कोई डिमांड नहीं है, मैं कोई उसको डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं उसको डिसिप्लिन नहीं कर पाऊँगा, उसको जो चाहिए वो देता रहूँगा और उसकी वजह से उसमें जो एक डायरेक्शन होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है नेग्लिजेंट पेरेंटिंग, जिसमें मुझे प्यार भी नहीं है और मुझे डायरेक्शन भी नहीं देना है, तो उसमें भी बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होगा। तीसरा एक पेरेंटिंग स्टाइल है वो है ऑथोरिटेरियन काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, उसमें मुझे बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड है, लेकिन वो डिमांड और एक्सपेक्टेशंस मैं प्यार से नहीं बट फोर्स से फोर्स करा से रहा हूँ, कराऊं। दैट इज़ ऑथोरिटेरियन। एंड लास्ट इज़ ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें मुझे बच्चे के साथ प्यार भी बहुत है और मुझे उससे एक्सपेक्टेशंस और डिमांड भी बहुत है, तो मैं जो कुछ भी उसके साथ कम्युनिकेट करूँगा वो पावरफुली करूँगा लेकिन प्यार से करूँगा। तो ये ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ जो पेरेंटिंग है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल है। अगर हम हमारे पूरे दिन में देखेंगे तो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज भी होती रहती है। अगर 80% ऑफ द टाइम हम ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें हम बच्चे से रिजल्ट डिमांड करेंगे, डायरेक्शंस देंगे लेकिन प्यार से देंगे, तो वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। कभी कभी फोर्सफुली ऑथोरिटेरियन करना बनना पड़ता है, जैसे बच्चा कोई ऐसी चीज़ करने जा रहा है उसमें उसको फिजिकल डैमेज हो रहा है, तो उसमें उसको रोकने के लिए हमें कभी ऑथोरिटेरियन भी होना पड़ता है। बट आजकल आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर परमिसिव पेरेंटिंग, बच्चा जो मांगता है वो तुरंत दे देते हैं, दे देते हैं, बिकॉज समय नहीं है, तो समय को हम चीज़ों से पूरा करते पूरा कर हैं। रहे हैं। तो वो परमिसिव पेरेंटिंग की वजह से बच्चे को अपने पे कंट्रोल नहीं है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और उसकी वजह से जब वो नहीं मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता है,
और फिर वो रक्कस केओस ये सब चीज़ें घर में आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पेरेंटिंग फेज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर्स में हमारा जो पेरेंटिंग स्टाइल होगा वो डायरेक्टिंग होगा, बिकॉज बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट फाइव ईयर्स में मैक्सिमम हो जाता है। जी उस दौरान उसके लाइफ में जो डिसिप्लिन दी, जो बिहेवियर एटीट्यूड दिया, जो हमारे संस्कार दिए, उसका खाने पीने में जो भी अच्छा है क्या अच्छा नहीं है उसके बारे में उसके दिमाग में चीज़ें चली गई तो फिर लाइफ टाइम रहेगी। अब इस दौरान जब हम डिरेक्टिव होते हैं तो हमें कई बार बच्चे को थोड़ा सा प्यार से स्ट्रिक्ट से ना बोलना भी सीखना पड़ता है, और अगर वो नहीं सीखेंगे तो वो डायरेक्शन ठीक नहीं रहेगी और फिर आगे जाते जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आजकल पर बच्चों को हम ना कहना, पेरेंट्स आजकल मतलब ऐसे होता है कि मुझे नहीं मिला है तो मैं इसके लिए इसके करूँ, तो बच्चे के लिए बचपन दे से दो। ही ये आदत डाली जाती है कि हाँ मुझे नहीं मिला है तो मैं इसको ये दूँ। पर कहीं कहीं ये रोक, जैसे आपने कहा, जरूरी है, बिल्कुल वो पेरेंट्स देते नहीं है। सही बात है। अभी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ दी पेरेंट्स आर नो 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 यस पेरेंट, तो बच्चे को पता है कि 10 बार ना बोलेंगे 11वीं बार हाँ बोलने हाँ, वाली है, जिद पूरी होती है। तो वो क्या करता है, वो पहले 10 ना को ना नहीं सुनता है, अच्छा उसको पता है कि 11वीं बार तो यस होने ही वाला है, इसलिए वो ओके पीछे पड़ जाता है। जैसे माँ और बच्चा कहीं फंक्शन में गए हुए हैं, बच्चा थोड़ा बोर हो रहा है, वो मम्मा से पूछता है मम्मा मोबाइल दो, मम्मा कहती है नहीं दे देना है, वापस पूछता है मम्मा मोबाइल दो ना, नहीं देना है बोला ना, एक बार 3 4 बार होगी फिर वो जोर से बोलेगा मम्मा मोबाइल, और माँ दे देती है। हाँ, क्योंकि उसकी अपनी सर्किल सर्कल में इश्यू हो रही है, सर्कल बट जब उस बच्चे को पता चला कि ये 10 से 11वीं बार में मुझे मिल जाने वाला है, वो पहली ना नहीं सुनेगा। तो इसीलिए ना सुनना डिफिकल्ट है। हमें एक चीज़ बहुत क्लियर कट करनी है, हाँ बोलने से पहले या ना बोलने से पहले 1 या 2 मिनट सोच लेंगे। अगर मैं हाँ बोल रहा हूँ तो वो इमीडिएट होना चाहिए, अगर वो मैं ना बोल रहा हूँ तो किसी हाल में वो हाँ नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑन गोइंग होता रहा तो धीरे धीरे बच्चे को पता चलेगा कि ये ना है वो हाँ नहीं होने वाली है, और जो हाँ हुई है वो इमीडिएटली मुझे मिलेगी, तो वो अपनी ना को ना सुनना शुरू करेंगे। 5 साल से 10 साल के बीच में पेरेंट शुड बी अ कोच। कोच क्या है, जो आपसे ऐसी चीज़ें कराएगा जो आपको रूटीनली करना पसंद नहीं है, लेकिन फाइनली वो आपको ऐसा इंसान बनाएगा जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। सो हमें 5 to 10 ईयर्स के बीच में कोच बनना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। कई बार हम बच्चे के साथ इतने भी प्यार से स्ट्रिक्ट होंगे कि वो हमें पसंद नहीं करेंगे उस दौरान। काफ़ी पेरेंट्स के प्रश्न लास्ट टाइम भी आए थे और अभी भी सोच रहे होंगे कि बच्चे ऐसे ही बोल जाते हैं कि तुम तो गंदी मम्मा हो, पापा आप तो ठीक हो ही नहीं, मुझे बिल्कुल आप पसंद नहीं पसंद हो। नहीं। लेकिन ये चीज़ अगर पेरेंट नहीं करेंगे तो वो बच्चे को सही क्या है और गलत क्या है वो नहीं बता पाएंगे, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने पेरेंटिंग पर और आपको पता है कि आप अपने बच्चे के साथ अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर भले उसको उस टाइम अच्छा नहीं लगता है, फिर भी अप टू 10 ईयर्स वही उसी तरीके से पेरेंटिंग करना ज़रूरी है। तो 5 to 10 ईयर्स के बीच में अ पेरेंट हैज़ टू बी अ कोच। अगर कोच कोच हो जाएंगे तो हम उसके साथ उसको जो बनना है उसमें हम उसको परस्यू कर पाएंगे। तो इस तरीके से पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। जी, यहाँ एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि नॉट ईटिंग, ठीक है, वो हमने या पहले भी उसके सुना, बारे में बात कर तो लेते हैं। हाँ, बिल्कुल तो नॉट ईटिंग आ रहा है और थंब और फिंगर, पुटिंग थंब एंड फिंगर है, हाँ, सबसे यू नो। पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करूँगा, मेजॉरिटी ऑफ दी पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि बच्चा खाना खाए? अगर आपसे पूछूं मैं कि क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा खाना खाए? क्योंकि वो उसकी ग्रोथ हो रही है, अभी ग्रोथ छोटा हो है रही तो है, आपको खाना इसलिए देना है कि ग्रोथ ग्रोथ हो हो रही है रही है, उसकी और ताकतवार बने ऐसे, एनर्जी हाँ, मिले, एनर्जी मिले उसे। और खाना खाना चाहिए शायद इसलिए कि वक्त होता है तो खाना खा लेना चाहिए, ऐसी भी एक सोच होती है बिल्कुल कि वक्त हो गया है तो खाना खा लो। यानी ग्रोथ हो, इम्यूनिटी मिले, उसको एनर्जी मिले, न्यूट्रिशन मिले, इसलिए खाना खाना चाहिए। आप खाना खाना क्यों बैठते हो? मैं बस यही वजह है, या मुझे भूख लगती है, मेन चीज ओके, ये है कि जब मुझे भूख भूख लगती लगती है। है।
देखिए, अगर आप अपने बारे में सोचेंगे ना तो यही आंसर मिलेंगे। मैं, मेरा बच्चा खाना क्यों खाए, उसके रीजंस जो है वो बिल्कुल अलग है। ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एनर्जी, टाइम हो गया है, इतना तो खाना ही चाहिए। और मैं खाना क्यों खाऊंगी या खाऊंगा, मुझे भूख लगती है। मानी दोनों डिफरेंट रीजंस है खाना खाने के। जी जी बिल्कुल, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, तो कैसा लगेगा आपको? मुझे सेटिस्फेक्शन अच्छा हुआ कि लगेगा हाँ ना। मैंने खाना खाया। आप देखना, आजकल के बच्चों को खाना खाने से आनंद मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं है। अच्छा आई अच्छा मम्मा, अच्छा खाना पड़ेगा, ऐसा करके दौड़ना शुरू करते हैं और मम्मी पीछे पीछे थाली लेके घूमती रहती है पूरे सही दिन, है। क्योंकि बच्चा मम्मा के लिए खाता है और ये खाना मेरे लिए ज़रूरी है वो पता ही नहीं है। और खाने से मुझे आनंद मिलेगा, वो तो रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुआ है। अच्छा जो चीज़ में मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझे पता ही नहीं है, वो मैं सामने से जाके खुशी खुशी क्यों करूँगा? यही चीज़ आप अगर 20-25 साल पहले का समाज देखेंगे तो आप लोगों में से किसी को याद नहीं होगा कि हमारी मम्मी पापा ने पीछे घूम घूम के जबरदस्ती खिलाया होगा। कभी नहीं खिलाया क्योंकि शायद ज्वाइंट फैमिली भी था, वैसे भी नहीं खिलाया। अगर न्यूक्लियर था तो भी इतना ध्यान खाने पे नहीं था नहीं दिया। पहले के ज़माने में, क्या हुआ करता था, जॉइंट फैमिली था, एक ही घर में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, तो एक बच्चे को पता था। और उस टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वॉज अ लिटल लेस, इतना एबंडेंस में अवेलेबल नहीं था, जी तो एक बच्चे को पता था कि मैं नहीं खाऊंगा तो ये जो 4 बैठे हुए वो मेरा भी खा जाएंगे, इसलिए यस वो खुद टेंशन करके वो खाने के लिए जाता था। आज एक बच्चा है और उसके ऊपर 4-5 लोग खाना खिलाने के लिए, मम्मी है, पापा है, उल्टा हो बुआ गया है, है। दादा है, दादी है, इसलिए उस बच्चे को खाना ज़रूरी नहीं लगता है। उससे ज़्यादा अगर मैं 45 मिनट्स या 1 घंटा इस खाने में करूँगा तो मेरी मम्मा मेरे साथ उतने समय लगी रहेगी, वो मुझे अच्छा ज़्यादा लगता है। अच्छा टाइम चाहिए इसलिए वो भी एक वो रीज़न है। नहीं खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं या खिलाना पड़ता है, वो इसलिए है कि हाँ मम्मा टाइम नहीं दे रही हाँ है, वो और भी एक मेजोरिटी रीजन ऑफ द टाइम, मोबाइल दिखा के, यूट्यूब दिखा है। के, टीवी दिखा के, आईपैड दिखा के खिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा क्या खाता है, क्यों खाता है, वो तो पता ही नहीं चलता है। एक आसान रास्ता है बच्चे को खाना खिलाने का, और अगर किसी भी मम्मा ने वो 1 हफ्ता कर लिया तो उसका बच्चा सब कुछ खाना सीख जाएगा अच्छा और अपने खुद मर्जी से खाना सीख जाएगा। तो जल्दी से टिप बता दे दूँ? दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि जरूर, ये सुनने के लिए तो शायद। ठीक है। सबसे पहले बच्चे को खाना मेरे लिए ज़रूरी है वो बताना ज़रूरी है, और वो कब यस पता चलेगा, जब वो भूखा रहेगा। अभी बिल्कुल क्या करते हैं, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा हुआ कि नहीं, थाली लेके पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, जी ये नहीं तो वो, हम ऑप्शंस देते हैं। जी काफ़ी मदर्स को ये भी कंप्लेंट होगी कि बच्चा चूजी है, बच्चा चूजी होता नहीं है, हम उसको चूजी होने देते हैं। उस मम्मी को पता चल